चलिए सबसे पहले जानते हैं पहली राशि के बारे में जिसका नाम है मेष राशि। 12 राशियों की सामान्यतः शुरुआत इसी राशि से होती है, मेष राशि से। इस राशि के स्वामी हैं मंगल। मेष के स्वामी मंगल माने जाते हैं और सूर्य की सर्वाधिक प्रिय राशि है। सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए सूर्य की सबसे प्रिय राशि है। मेष राशि के अंदर या जो मेष राशि के लोग होते हैं उनके अंदर ऊर्जा, साहस, नयापन और चंचलता पाई जाती है। मेष राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े एनर्जेटिक, बड़े ऊर्जावान होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, जीवन में नया करने का प्रयास करते हैं और जीवन में थोड़ी चंचलता भी उनके पाई जाती है। जल्दी उनका मन, दिल, दिमाग स्थिर नहीं होता। मेष राशि मस्तिष्क को सीधे तौर से प्रभावित करती है। आपकी कुंडली में मेष राशि में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं या मेष राशि पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो ब्रेन में, सर में प्रॉब्लम होने की समस्या होती है। और अगर मेष राशि मजबूत है तो ब्रेन, मस्तिष्क आपका बहुत अच्छा होता है। मेष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अस्थिर दिमाग। इनका मन जरूरत से ज्यादा चंचल होता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। इसीलिए मेष राशि के जो बच्चे हैं उनको बचपन में पढ़ाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो जल्दी स्थिर नहीं होते। मेष राशि के अगर आप हैं, आपका मन चंचल बना रहता है, आप स्थिर नहीं हो पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते, तो सलाह लेकर के आपको एक मोती पहनना चाहिए। सलाह लेकर के मेष राशि के लोग एक मोती पहन सकते हैं। मोती पहनने से इनको निश्चित रूप से लाभ होता है। और मेष राशि का कोई भी व्यक्ति हो उसे सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। रोज सुबह उठ करके, स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अगर संभव हो तो भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। अगर ऐसा नियमित रूप से मेष राशि के लोग करें तो उनके जीवन की चंचलता दूर होगी और सूर्य देव की जितनी उपासना करेंगे जीवन के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा।